पूरे देश की मान सम्मान है ये महिला, पूरी दुनिया में हमारी तिरंगा जो ऊपर पकड़ाया है, उस खिलाड़ियों को न्याय के लिए देश की राजधानी के अंदर सड़क पे दिन रात जो लड़ाई लड़ रहे, तो आम महिला की, आम लड़कियों की, इस देश का क्या हाल होगी। इसलिए हमने तय किया है ये इस देश की, पूरी देश की महिला की जो संघर्ष है, हमारी जीने का, हमारी बराबरी का, हमारी हक का, हमारी न्याय का ये संघर्ष है। इसलिए तमाम पांच नेशनल संगठन मिलके आज से लेके पूरे देश के अंदर गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर, हम जनता के बीच में जाके, हम जो कागज के अंदर और दूसरे तरीके से हम हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे, हजारों लाखों हस्ताक्षर लोगों का इकट्ठा करके वो तमाम जो हस्ताक्षर हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री इस मामले को लेके, ये परिवारों के मामले को लेके, इसका न्याय को लेके जो चुप रह रही है, इसलिए हम पूरे देश से हस्ताक्षर, हजारों लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। और हम ये भी बताना चाहती हूँ कि हम ये मांग करके हस्ताक्षर कर रही है कि बृजभूषण को, ये आरोपी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और दूसरी हमारी मांग है, FIR इस केस में फाइल हो चुका है, इसलिए जो पार्लियामेंट के अंदर से उसका पार्लियामेंट जो संसद का पद तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। ये मांग लेके हम पूरे देश से हम हस्ताक्षर करेंगे। और तमाम संगठनों का साथी इधर है और जो हम सब ये कार्यक्रम, ये काम आगे बढ़ाने का है, इन साथियों के समर्थन में और पूरी देश की जो हम भी उसका हिस्सा है, हमारी बेटियां इसका हिस्सा है, हम सबके लिए हम ये अभियान आज से एकजुटता से एक ज्वाइंट कैंपेन हम चलाने का निर्णय लिया है, वो आज अनाउंस करने के लिए हम आपके सामने। आज के अखबारों में हमने सब ने पढ़ा कि देश की सरकार और पुलिस जो है वो कह रही है कि कोई भी प्रमाण नहीं दे पाई है खिलाड़ी लड़कियां। हम उनका ये बताना चाहते हैं कि देश के महिला संगठनों ने ये कानून बनवाया था और उसके अंदर ये प्रावधान है कि ऑनर्स लाइज विद बृजभूषण, वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की जिम्मेवारी अब बृजभूषण की है और बृजभूषण की तहकीकात होनी चाहिए इसके अंदर। जब 2016 में ये साक्षी मलिक और ये लोग जब मेडल जीत के लाए, प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपा के कहा कि अब केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी खिलाओ तक इस नारे को हम एक्सटेंड करते हैं। और बिचारी देश की बेटियां जो है, उनके अभिभावक जो है, उनको यही नहीं पता था कि ये एक जुमला है। वो मैदानों में आ गई, पूरी तैयारी के साथ मैदानों में आई, और आज जब वो मैदानों के अंदर खेलने के लिए यौन हिंसा जब हो रही है उनके, और जब उसके खिलाफ आवाज उठा रही है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, संगीता, तो अब कहते हैं कि ये तो अनुशासनहीनता कर रही है, ये तो जो है हमारे खेल के ऊपर। पीटी उषा कहती है कि इमेज टार्निश कर रही है, शेम ऑन यू माई डियर पीटी उषा, कैसे आप ये बोल सकती हैं? ये हमें सिखाया गया है हमारे देश के द्वारा, हमारे अभिभावकों के द्वारा, कि जब भी तुम्हारी तरफ कोई गंदी नजर से देखे, जब भी तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ करे, तो भाई डट के बोलो, जैसे मैदान में खेलती हो उसी तरह से डट के बोलो, और हम बोलेंगे और न्याय लेके रहेंगे। ये जो लिपापोती करने वाले हैं कानून के ऊपर और कानून को तरोड़ने मरोड़ने वाले जो है, जब देश पूरा उठेगा हमारे समर्थन में, जो उठ चुका है नीचे तक, हमें रोज पूछते हैं कि हमें गांव में बताओ क्या करना है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो ये जब होगा तो इस तरह के लोग जो हैं, ये तिनके की तरह से बह जाएंगे। बृजभूषण मतलब क्या 30 मार खा समझता अपने आप को, 40 केस है इसके ऊपर। इस देश की सरकार को शर्म आनी चाहिए, जिसके ऊपर 40 केस है उसको बचाने लग रही है। और हमने ये देखा भाई और बहनों, पिछले 4 महीने से हरियाणा के अंदर वहाँ के खेल मंत्री ने जूनियर कोच के साथ इसी तरह से यौन उत्पीड़न किया था, हम वहाँ पे आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये जो इनकी सरकार है वहाँ पे खट्टर की, वहाँ पे भी उनको इसी
कर देते हैं। और पहले भी एक लड़की जो है अपनी जान दे चुकी है ऐसी परेशानियों की वजह से। लेकिन ब्रिजभूषण जो है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं अगर एक भी आरोप सिद्ध हो गया तो मैं अपने पूरे जीवन जो है आएगी वो सार्वजनिक सिद्ध तो उन्हें करना है, सिद्ध उन्हें करना है। द ओनर्स लाइज विद द अक्यूज्ड, उसके लिए द ओनर्स लाइज विद द अक्यूज्ड। प्रूफ करें, अधिकार किसने दिया कि वो जो है टीवी के ऊपर प्रूफ करे वो अपने आप सुप्रीम ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित रहेगा या नहीं, क्वेश्चन इस बात का है। पॉक्सो के तहत जब FIR दर्ज होती है तो अगर एक साधारण आरोपी होता है तो सबसे पहले वो जेल के अंदर जाता है। ये क्यों ब्रजभूषण जो है खुलेआम वो टीवी के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं लगातार? एफिडेविट्स में जिस तरह के एलिगेशन, इतने सीरियस एलिगेशन थे, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि एलिगेशन आर सीरियस। FIR दर्ज हुई है उसके बाद भी दिल्ली पुलिस में जो संवैधानिक पद है कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो बजाय अपनी संवैधानिक ड्यूटी को निर्वहन करने के, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के, उन्होंने एक आरोपी को छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी बकवास करे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा, अमित शाह या फिर पीएम मोदी अगर कहे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हो सकता है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री उनको बचाने पे लगे हुए हैं, वो साफ कह रहा कि आज देश का प्रधानमंत्री कह दे, गृहमंत्री कह दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री कहता क्यों नहीं है? इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको संरक्षण दे रहे हैं। और किसी महिला के साथ, मैडम एक क्वेश्चन है कि अगर किसी भी बड़े पर्सनालिटी को, एक मिनट, किसी भी बड़े पर्सनालिटी को जो और कहीं काम कर रहा हो या पॉपुलर हो, अगर आरोप लगा दें झूठा हो या सच्चा, जेल जाना पड़ेगा? आप ये चाहते हैं कानून है, कानून क्या? अगर कल को आपके ऊपर लग जाता आरोप तो बिना जांच के आप जेल जाएंगी? क्रेडिबल, कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है, क्रेडिबल प्रूफ के बावजूद ही FIR दर्ज होती है। क्रेडिबल प्रूफ इज देयर एंड द एलिगेंट, वो जो आरोप लगाने वाली भी कोई मामूली महिलाएं नहीं है। मामूली औरत का भी, मामूली लड़की का भी सुना जाना चाहिए। ये नहीं कि जो ओलंपिक में है, जो ओलंपिक खेल के आएंगी वो भी, और जो भिखारी की बेटी है वो भी, इस देश में बराबर है। तो बात ये है कि आरोप के बाद जांच होनी चाहिए या बिना जांच के किसी को जेल जाना चाहिए? बिल्कुल उसको जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर अगर लगता है तो कभी आप जेल जाएंगी? भाई कानून ये कहता है, कैसा सवाल कर रहे हैं अपने खट्टर की? आप कैसा सवाल कर रहे हो? एक मिनट, सवाल हमें करने का अधिकार है। आपने खट्टर की कैसा सवाल कर रहे हो? खट्टर जो है दूसरे स्टेट के हैं, ब्रिजभूषण दूसरे स्टेट के हैं। आपके भाई, आपके माँ के साथ, बहन के साथ ये होगा तो कैसा आप करेंगे? अरे वो स्टेट भी इंडिया का ही स्टेट है। कोई लड़की अनर्गल आरोप लगाए तो मंत्री को हटा देंगे क्या? बिल्कुल FIR। एक सवाल ये उठ रहा है, कोई पॉलिटिकल अगर हम आते हैं समर्थन करने, पॉलिटिकल बातें करें, जैसे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सोशल मीडिया पे सारे मीडिया में वायरल हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? आप समर्थन देंगे या मोदी की कब्र खोदेंगे? हमने नहीं बोला, मोदी का चमचा है ये। राज स्थापित करो जी। धन्यवाद, धन्यवाद। राज स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो, नहीं चलेगा। यौन उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार करो। यौन उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार करो। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सोनिया कहां है तुम लोगों का? जिस दिन सत्ता बदलेगी ना, नजर नहीं आओगे तुम लोग, घर में सुबह बैठे होगे। अरे बता रहा हूँ, पब्लिक ढूंढेगी तुम लोगों को। अरे देश का सत्यानाश मचा चुके तुम लोग। मणिपुर चल रहा है, वहाँ बारात दिखा रहा है बेंगलोर में। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? सही बात है।
कितना बड़ा हम लिखा नहीं, मोदी कितना बड़ा लिखा नहीं बता पा रहा तू। मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तू बता, क्या हो रहा है तू अभी आया ना पूछने सवाल, बता क्या हो रहा है, बताइए ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। अच्छा फिर मुझे बताना क्या हो रहा है, हम तू बता, हम तो जिस मुद्दे पे आए हैं उस पे बात, मणिपुर में क्या मोदी कितना बड़ा लिखा है, मोदी कितना बड़ा लिखा आप बताइए ना, आप बताइए ना, जानते हो पीएम है, हमने क्यों वोट दिया उनको, अरे हम तो जर्नलिस्ट है ना, सवाल पूछेंगे सिर्फ, हमने इसलिए वोट दिया था कि वो हमें आगे क्या वोट के तो आए नहीं है, आप ये इस समय आपने सवाल क्यों नहीं पूछा, बताओ आप पड़े हुए पीएम केयर फंड प्राइवेट है, आपने वोट पीएम केयर फंड सवाल से भागिए मत, सवाल अभी आपने सारे सवाल है कि कितने पड़े हुए हैं, सारे सवाल हैं, तो जब आपने वोट क्यों दिया उनको, ये लिस्ट नजर नहीं आई तुमको, मैं ये लिस्ट नजर सवालों को वहाँ से मत, सब सवाल है, सब सवाल देने ये दो आ गए क्या आपके पास, गलती क्यों ना Can you give one copy of this? Thank you. Thank you.